दोस्तों आपका डेली डोज ऑफ मोटिवेशन आ चुका है सिद्धार्थ बरवाल रैंक वन गेट 2021 के साथ। दोस्तों हमारे अब 253 डेज बचे हैं गेट 2022 के लिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए और बिल्कुल लग जाइए। हर एक दिन इम्पॉर्टेंट है, एक एक मिनट, एक एक घंटा, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। बहुत प्लानिंग कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करिए। आज का जो टॉपिक है वो है सिंसियर वर्सेस सीरियस। दोनों में बहुत अंतर है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि पढ़ाई करते समय या प्रिपरेशन के दौरान वो बहुत सीरियस हो जाते हैं। मतलब दे थिंक कि सिंसियरिटी और सीरियसनेस बराबर है या दोनों सेम है। मतलब सीरियस रहकर ही हम पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब वो अपनी ज़िंदगी से, अपने पूरे दिन के रूटीन में से एंटरटेनमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है और ये चीज़ नेगेटिविटी को लेके चली जाती है। नेगेटिविटी आपके प्रिपरेशन में या थॉट्स में आ जाएगी और एक डेढ़ महीने के अंदर आप ब्रेक डाउन कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय है, मैं बता रहा हूँ 250 दिन के करीब है हमारे पास। तो मान के चलिए कि लास्ट के 50 दिन हमें बिल्कुल सीरियस हो जाना है। लास्ट के 50 दिन एक मिनट का एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। लेकिन दिसंबर तक, मान के चलिए दिसंबर तक हमें अपने रूटीन के अंदर एंटरटेनमेंट को भी ऐड करना है। हमें सीरियस नहीं, सिंसियर रहना है। सिंसियरिटी के साथ साथ अपने एंटरटेनमेंट को भी मेंटेन करके रखना है। हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी के साथ ही आपको सक्सेस मिलेगी। नेगेटिविटी अगर जहाँ पे आ गई, सक्सेस आपकी डाउन हो जाएगी। तो याद रखिए इस बात को कि एंटरटेनमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। एंटरटेनमेंट कैसे, सुबह उठ के आप वॉक कर सकते हो, टहलने जा सकते हो, किसी गार्डन में घूम सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, आप कोई वेब सीरीज देख सकते हो। छोटे छोटे वीडियो होते हैं 5-5, 7-7 मिनट के जो एंटरटेन कर सकते हैं आपको। दो दो घंटे के गैप पे यू कैन हैव अ एंटरटेनमेंट ऑफ लाइक 15-20 मिनट्स। थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, यू कैन फील गुड ऑल्सो, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें बताई मैंने आपको। पहली चीज़, आप सुबह उठ के वॉक कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, दोपहर में या दो दो घंटे की पढ़ाई के बाद आप ब्रेक ले सकते हो 10-15 मिनट्स का, जिसमें आप या तो इधर उधर घूम लो, घर वालों से बात कर लो। सो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब क्या तो फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं ना। तो दो दो घंटे की पढ़ाई को वो आधे आधे घंटे का ब्रेक दीजिए, आप सो सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म देख सकते हो, घर वालों से बात कर सकते हो। इन सब का बहुत बड़ा महत्व है पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए और आपको अपने ट्रैक पर रखने के लिए, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय। पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखिए और गेट 2022 अपने को साथ में फोड़ना है।